आज हम यहाँ पर तिरंगा राइड के लिए इकट्ठे हुए हैं सभी साइकिलिस्ट करनाल रेड ओलियर्स और रॉयल साइकिल क्लब की तरफ से इन एसोसिएशन विद शील साइकिल वर्क अन्य इन्फोटेक ये राइड रखी गई और इसके अंदर हमारे को जो शेड्यूल मिला वो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट की तरफ से मिला। कोच सत्यवीर साहब का बहुत हमारे को योगदान रहा। आज की इस राइड के अंदर हमारा मेन मैत्री ये है कि लोकल शहरवासियों को करनाल के अंदर हमारे देश की आज़ादी का उन बलिदानों का महत्व समझाया जाए जिन लोगों ने इतनी मेहनत करके हमारे को ये आज़ादी दिलाई और आज आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है 75 ईयर्स उसको सेलिब्रेट करते हुए आज लोकल शहर में 14 किलोमीटर की ये तिरंगा यात्रा रखी गई है जिसमें 8 साल से लेके और 60 साल तक के जवान बच्चे हमारे साथ हैं। सभी रेडी हो चुके हैं, बाइक्स वगैरह काफी बच्चे आ रहे हैं तो बाइक ले आगे राइड में हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमित जी। अमित जी हमें बताएंगे कि राइड का क्या रूट रहेगा और कैसे कैसे सारा आज क्या फंक्शन है। आज 15 अगस्त में हम करनाल शहरी में आए हैं और जो रूट और प्लान है यहाँ से हम जाएंगे गीता द्वार से टर्न होके फिर मालटाउन की तरफ। मालटाउन में फिर साइकिल के उधर ब्रेक है, फिर उसके बाद हम जाएंगे 13 सेक्टर। 13 सेक्टर से सारा टर्न होके घूम घूम आके फिर वापसी करनाल शहरी। तो काफ़ी लोग पहुंच चुके हैं, बच्चे आप देख सकते हैं पीछे, ये देखो काफ़ी लोग पहुंच चुके हैं। ये बेटा सराज, सराज भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं, फ्लैग लेके। कहाँ आपके साइकिल? अच्छा उधर है, तो चलते हैं आगे मिलते हैं। इंडिया चौक से फिर मॉलटाउन, मॉलटाउन से फिर हम मुड़ के OSG की कोठी से मुड़ेंगे मॉलटाउन के अंदर, वहाँ से आगे जाके SBI की बिल्डिंग आती है वहाँ तक, वहाँ से दोबारा राइट शील साइकिल्स तक हम जाएंगे। शील साइकिल्स में आप सबके लिए कुछ ना कुछ पीने के लिए है, ठीक है ना, फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह पियेंगे, थोड़ी ताकत आएगी हमारे में। फिर हम सिविल हॉस्पिटल चलेंगे, सिविल हॉस्पिटल से मुड़ जाएंगे टूवर्ड्स अर्बन स्टेट सेक्टर 13 की जो रेड लाइट है 12 की, वहाँ से हम राइट मुड़ेंगे सीधा हरियाणा नर्सिंग होम सेक्टर 14, वहाँ से फिर हम इधर मुड़ जाएंगे राइट साइड टूवर्ड्स सब्जी मंडी और रेलवे रोड होते हुए SBS स्कूल तक जाएंगे सारे। SBS स्कूल से सेशन रोड, फिर माल रोड और फिर बैक यहाँ पे। इस दौरान डेकोरम मेंटेन करना है 2x2 की फॉर्मेशन में। आपके सर बहुत अच्छा आपको सिखाते हैं, ग्रूम कर ले आपको, और वो चीज़ मेरे को यहाँ पे भी सड़क पे नजर आनी चाहिए। जो हमारे मार्शल्स हैं वो आपका ध्यान रखेंगे सड़कों पे, आपको ट्रैफिक कहीं भी बीच में नहीं आएगा, चौक्स हम रोक दिया करेंगे सारे, आपको सेफ्टी पूरी मिलेगी। पर फिर भी आप 2x2 में चलोगे ताकि आप उससे टकरा के गिरे ना, और 2x2 में आपकी वीडियो फोटोग्राफ्स अच्छी बन रही है। इसके अलावा जो मेन चीज़ है इसका तिरंगे का हमें पूरा सम्मान करना है, किसी का भी तिरंगा रास्ते में गिरना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हो जाता है, कुछ भी मिसाल ऐसा होता है, तिरंगा नीचे होता है तो आप उसको उठा लीजिए हाथ, ठीक है। तो हमने कहीं भी छोड़ के नहीं आना इसको, इसका निराधार नहीं करना। इसके अंदर स्टेशन में आप लोगों को भी मौका दूंगा, अगर कोई बोलना चाहता है 15 अगस्त के बारे में, हमारे देश की आज़ादी के बारे में, वो भी मौका दूंगा। कोई कविता सुनाना चाहता है तो अंदर आ सकते हैं, बहुत ही अच्छे गाइड करते हुए चल रहे हैं हमें। तो सभी बस राइड स्टार्ट होने वाली है तो एक बार फाइनल टच दे रहे हैं सभी अपनी बाइक को, तो फिर एक बार निकलते हैं हम लोग सब एक साथ, मिलते हैं आपको रास्ते में। गाइस राइड स्टार्ट हो चुकी सारे, हमारे ग्रुप मेंबर्स गीता द्वार पहुंचते हैं, अभी यहाँ से टर्न लेंगे। दो की फॉर्मेशन में सभी चलते हुए जय
आता हुआ, यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है। उधर क्या चले पहुंच गए यहाँ पे पानी जितना लेते हुए लो ना सर। हाँ लो लो ले ले मोहित भाई ने हमें ज्वाइन कर लिया। वाह जी वाह, आगे 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 पहुंच चुका है वापस स्टेडियम की ओर। थोड़ी दूर का सफर रह गया है। अमित जी कैसा लग रहा है अब तक? बहुत बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है। तिरंगा यात्रा में बहुत ज्यादा फन करते हुए ये हमारे पीछे काफी बड़े बड़े बंदे अम्बाला से करनाल, बड़े बड़े राइडर हमारे साथ मोहित कर। कैसा लग रहा है मोहित भाई? बढ़िया, मजा आता हुआ पूरा। सो फाइनली स्टेडियम में वापस से एंटर करते हुए 14 किलोमीटर की राइड का समापन करते हुए मोहित भाई के साथ वापस पहुंच चुके हैं। करते हैं आगे का सेलिब्रेशन स्टार्ट। पूरी टीम सेफली पहुंच चुकी है आराम से। बनाना वगैरह मिलते मेहनत से आज कार्यक्रम रखा गया, इतने सुंदर सुंदर तैयार करे सर्विस बच्चे यहाँ पर आ गए, तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा। ये धन्यवाद अभी जैसे जैसे दो बातें जाएंगे मैं रिपीट भी करूंगा। ये वो आशीर्वाद है और बहुत बहुत धन्यवाद अपने रोहित सर की तरफ और कुणाल रेलवे के उसके सभी मेंबर्स का इस प्रोग्राम में आने के लिए। बहुत ही अच्छा लगता है इसमें इतने स्टार्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लीड हो चुके हैं, स्पेशल मेडल मिल गया है और स्पेशल ऑनर। चलते हैं आगे।